हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडी अवर नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नेम इज 5 एंड चैप्टर 5 नेम इज इलेक्ट्रिक करंट। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको समझने से पहले हम कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, मैंने आपको बताया था कोई भी आपके चैप्टर नंबर 4 में एटम है, एटम की स्ट्रक्चर। और एटम की स्ट्रक्चर में क्या था बेटा, एक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। और पॉजिटिव चार्ज सेकंड क्या है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आउटर इस जो आपका न्यूक्लियाई है इसके चारों ओर जो होते हैं वो होते हैं आपके पास ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। ये जो न्यूक्लियाई है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रखा है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इनमें। अच्छा, जो आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इस न्यूक्लियाई का जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स इज एंटी प्रोपोर्शनल 1/r² इट मींस अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बेटा, डिक्रीज। सो इन दिस फॉर्मूला वी कैन से द आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम। अरे यस और नो, इसका मतलब इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, मिनिमम है। मिनिमम है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूक्लियाई है उसका फोर्स जो है वो कम है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है तो हम मिनिमम एनर्जी में भी इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है अट्रैक्शन फोर्स। इससे अंदर वाले ऑर्बिटल की बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, तो डिस्टेंस क्या हो गई बेटा, डिस्टेंस डिक्रीज हुई तो फोर्स इंक्रीज हुआ कि नहीं, इसका मतलब इसमें फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। इससे अंदर वाले ऑर्बिटल की बात करें तो इस पर फोर्स की वैल्यू और भी ज्यादा है अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स मिनिमम होता है, मिनिमम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनको वहां से रिमूव करना इजी होता है, हल्की सी एनर्जी देके उनको यहां से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में भाग लेंगे, कंडक्टिविटी में जाएंगे तो कंडक्टिविटी शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे तो वो किस में आ जाएंगे आपके करंट में, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का है सिंपल डेफिनेशन, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट ये तो है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। इसका मतलब चार्ज चाहिए, चार्ज कहाँ से आएगा, चार्ज आएगा उस जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर से। और कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्लो ऑफ जो चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ही आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। अब हम कुछ सिंपल सी बात करते हैं, कुछ जनरल बात करते हैं। वाटर का फ्लो किधर होता है बेटा, वाटर के फ्लो की बात करें तो वाटर का फ्लो हाई ग्रेविटेशनल लेवल से लो ग्रेविटेशनल लेवल, ठीक है। उस जो वाटर का फ्लो है हाई ग्रेविटेशनल लेवल से लो ग्रेविटेशनल लेवल तक, जितनी भी रिवर्स है नदियां हैं उनका पानी का फ्लो हाई ग्रेविटेशनल लेवल टू लो ग्रेविटेशनल लेवल है, उसमें क्या होगा, वाटर का जो फ्लो है उसको बोलते हैं हम लिक्विड, जो भी है जो हाई ग्रेविटेशनल लेवल से लो ग्रेविटेशनल लेवल है तो उसको लिक्विड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विड करंट। क्या बोलेंगे बेटा, लिक्विड करंट। लिक्विड जो भी है उसका फ्लो अगर नेचर में देखें तो उसका फ्लो ऑलवेज हाई ग्रेविटेशनल लेवल टू लो ग्रेविटेशनल लेवल। और अब हम सेकंड बात करें हीट की, तो हीट का फ्लो भी हम देखें तो कहाँ होता है बेटा, हाई टेम्परेचर टू
लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अरे भैया बात को ध्यान से समझो रे, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का जनरेशन हो, हीट का जो फ्लो होगा उसको बोलते हैं हीट करंट। क्या बोलते हैं बेटा? हीट करंट। ये सब करंट है, हीट करंट। इसको क्या बोलते हैं? हीट करंट, ठीक है ना। इसका मतलब लिक्विड का जो फ्लो है वो होता है हाई ग्रेविटेशनल लेवल टू, हाई ग्रेविटेशनल लेवल टू लो ग्रेविटेशनल लेवल। ठीक, हीट का फ्लो कहाँ होगा बेटा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, उसको बोला जाता है आपके पास हीट करंट। ठीक, लिक्विड करंट में क्या है? लिक्विड का फ्लो होता है, हीट करंट में हीट का फ्लो होगा। इसी तरह से हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्जेस का फ्लो है, किसका फ्लो है बेटा? चार्ज का फ्लो। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज का जो फ्लो है वो कहाँ होगा बेटा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्जेस का फ्लो ऑलवेज फ्लो इन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्जेस के फ्लो से जो करंट जनरेट होगी उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जो लिक्विड से फ्लो होगी वो लिक्विड करंट। लिक्विड कहाँ चलेगा? हाई ग्रेविटेशनल लेवल से लो ग्रेविटेशनल लेवल। हीट जो है वो उसका फ्लो किधर होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। समझना भाई बात को। अगर एक हमारे पास गर्म चीज है और कुछ ठंडी है, दोनों को कनेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर कैसे किधर फ्लो होगा? टेम्परेचर फ्लो होता है हाई टू लो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? लिक्विड करंट की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास जो लिक्विड करंट की बात नहीं कर रहे और सेकंड हीट करंट की। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें इसका मतलब चार्ज के फ्लो की बात करें। किसकी बात करें बेटा? चार्ज के फ्लो की बात करें। चार्ज के फ्लो की बात करें, चार्ज का फ्लो किधर होगा? चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। पहली बात पे चार्ज कहाँ से आएगा? मैंने बताया कि जो भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके क्या हो जाते हैं? कंडक्टिविटी में जो है वो भाग लेते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो होगा या चार्ज का फ्लो होगा, हम ये बोल सकते हैं जनरली, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो करंट है उसमें चार्ज का फ्लो होगा, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम किससे शो करते हैं? शो करते हैं कैपिटल आई से। किससे शो करते हैं बेटा? कैपिटल आई से। इसका मतलब जो आपके पास चार्ज का फ्लो है पर सेकेंड, अगर हम बात करें या यूनिट टाइम के लिए चार्ज का फ्लो है, उसके लिए करंट क्या आ जाएगा आपके पास? आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अरे सुनो, क्लियर? तो इस तरह से हम इसको समझ सकते। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। सो लेट अस कंसीडर कोई भी आपका मटेरियल है, उसमें क्यों चार्ज का फ्लो हो रहा है? किस टाइम के लिए? टी टाइम के लिए चार्ज का फ्लो। तो करंट क्या जाएगा आपके पास? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कब? जब कोई भी आपके पास मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू, और किस टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या जाएगी बेटा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, यूनिट कैलकुलेट करते हैं इसकी यूनिट। तो भाई I जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो फंडामेंटल यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट एम्पियर। अरे 11th में पढ़ लिया बेटा, 11th में हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं जिनके खुद के अपने जो है यूनिट है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का भी खुद का यूनिट है, और वो क्या है? एम्पियर, ठीक है। अच्छा,
एम्पियर इसकी यूनिट आ गई। और अगर एम्पियर्स में देखें यूनिट एम्पियर्स में इन एम्पियर सिस्टम, तो एम्पियर सिस्टम की बात करें तो आपके पास आ जाएगा चार्ज के लिए कूलाम और टाइम के लिए सेकंड। सो कूलाम पर सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं कूलाम इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है, कूलाम इंटू सेकंड इनवर्स, तो आपके पास यूनिट आ गई। डायमेंशन की बात करें तो चार्ज की इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन इक्वेशन लिख लेते हैं, डायमेंशन इक्वेशन। तो डायमेंशन इक्वेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो भाई क्लियर है फिजिकल क्वांटिटी है ये, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी आपका डायमेंशन होगी A1। अरे क्लियर है, अच्छा कूलाम पर सेकंड इन एम्पियर सिस्टम, और इसको क्या बोल देते हैं बेटा एम्पियर, और एम्पियर को किससे शो करते हैं कैपिटल A से। तो डायमेंशन इक्वेशन भी क्या जाएगी A1, क्लियर। अच्छा अब यहाँ से अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखें, तो मैंने कहा कि डेफिनेशन जो भी हो आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है तो समझना है, समझना है तो समझो भाई। समझना ये है अब यहाँ पे कि भाई हमारे पास अगर किसी भी मटेरियल में कोई कंडक्टर है, उसमें चार्ज का फ्लो 1 कूलाम है, चार्ज का फ्लो कितना है 1 कूलाम, क्यू की वैल्यू क्या ले ली बेटा हमने, क्यू इज 1 कूलाम एंड टाइम हमने ले लिया 1 सेकेंड, ठीक। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो देन वी कैन कैलकुलेट आई, सो 1 कूलाम / 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अरे ये सुनो, इसका मतलब कोई भी मटेरियल है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें 1 कूलाम चार्ज का फ्लो 1 सेकेंड के लिए पर सेकेंड, 1 कूलाम चार्ज का फ्लो है तो 1 चार्ज का पर सेकेंड, या हम बात करें कि कोई भी कंडक्टर है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 1 कूलाम है, तो उसमें जो करंट जनरेट होगी वो कितनी होगी बेटा 1 एम्पियर, कितनी जनरेट होगी 1 एम्पियर, ठीक है। अच्छा आई और इसमें अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बना लेते हैं बेटा, टाइम में और करंट में ग्राफ, टाइम और करंट का ग्राफ देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई समझते हैं भाई इसको, हाँ भाई ग्राफ को देखो, टाइम और करंट का ग्राफ देख लेते हैं और फिर इसको क्लियर करते हैं आगे। अच्छा एक बात यहाँ पे और क्लियर करें, फिर ग्राफ बना 1 कूलाम / 1 सेकेंड था ना, इज इक्वल टू 1 एम्पियर, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एनी, क्यू इज इक्वल टू एनी, क्यू की वैल्यू क्या है 1 कूलाम इज इक्वल टू एनी, सो एन इज इक्वल टू 1 कूलाम / E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹, हाँ भाई इसका मतलब एन क्या है यहाँ से 1/ ये पॉइंट कटाएंगे तो 10⁻¹⁹, यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा सोल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास, सोल्व करेंगे तो देखो ध्यान से यहाँ से आएगा 6.25 × 10⁻¹⁹, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 कूलाम जो आपके पास चार्ज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है n इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁹, इतने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। इसका मतलब कोई भी आपके पास कंडक्टर है उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा पर सेकेंड, तब जाके 1 एम्पियर जो आपके पास करंट है वो जनरेट होगी, ठीक। अब एक ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ से और बातें क्लियर करते हैं। ग्राफ है एक्स एक्सिस से ये, और ये है आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने करंट। तो हमारे पास ग्राफ देखो किस तरह से ग्राफ आया, मैं यहीं पे इसी इन्हीं ग्राफ से आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको समझना है कि करंट के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ करंट के लिए ये ग्राफ है। तो ये जो आपका ग्राफ आया ये आया वेरिएबल करंट के लिए, ये किसके लिए आया बेटा वेरिएबल करंट के लिए। इसका मतलब टाइप्स ऑफ करंट की बात करें तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ करंट, है जी, टाइप्स ऑफ करंट इस ग्राफ से ही समझ सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये वेरिएबल करंट, यहाँ अगर इसकी बात करें तो ये जो आपके पास है ये भी क्या है, ये भी आपके पास
वेरिएबल करंट है, तो वेरिएबल करंट की एक बात है क्लियर कि टाइम के करस्पॉन्डिंग, इधर टाइम आता है कि ओरिजिन पॉइंट, टाइम के करस्पॉन्डिंग अगर करंट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रही है तो ऐसी करंट को बोलते हैं वेरिएबल करंट। क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल करंट, ठीक है। टाइम की करस्पॉन्डिंग अगर चेंज हो रही है तो वेरिएबल करंट, तो ये भी टाइम की करस्पॉन्डिंग चेंज हो रही है और ये भी, और इस वाले की बात करें, इस वाले ग्राफ की, तो ये स्टेडी करंट है, स्टडी करंट, यानी कि टाइम के करस्पॉन्डिंग। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है? इस ग्राफ से एक बात क्लियर है कि टाइम के करस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। मान लीजिए वैल्यू लेटेस्ट कंसीडर वैल्यू आई है, तो आई की वैल्यू टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, इसका मतलब ये जो है स्टडी करंट है। और यहाँ अगर थर्ड बात करें तो ये इस तरह से टाइम के करस्पॉन्डिंग देखे तो देखो यहाँ करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई और इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज, फिर जीरो, फिर जीरो से फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर जीरो। इसका मतलब टाइम की करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है? करंट की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम की करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ भी टाइम की करस्पॉन्डिंग, ये जो ग्राफ है इसमें भी टाइम के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसी जो करंट है, चाहे ये वाली हो और चाहे ये वाली, इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल करंट। क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल करंट। स्टेडी करंट में क्या होगा? टाइम के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब इसमें टाइम की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो ये टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ करंट में एक आपके पास आ गए, फर्स्ट है वेरिएबल, वेरिएबल करंट, और सेकंड आपके पास आ गए स्टेडी करंट। इसका मतलब हमारा जो कोई भी लेटेस्ट कंसीडर, ये कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा अगर इसको तो एनर्जी देते हैं हम किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? फ्लो होगा। और ये किस डायरेक्शन में जाएंगे बेटा? करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, फ्लो को समझ ले जान से, ठीक है। फ्लो को समझते हैं तो करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना बेटा, ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी का, इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन उसकी डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी फ्लो की। समझ आई क्या? कोई भी कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैटरी से कनेक्ट किया उस कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है, जबकि करंट का फ्लो किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो आपके जो पॉजिटिव चार्ज है उनका फ्लो किधर होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान से क्लियर कर लेना, ठीक है। इसका मतलब इसमें ये हो गया, आपको ये ध्यान रखना है कि करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, एक और बात यहाँ से कि हमें डायरेक्शन पता चल रही है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी बेटा? इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इस बार और समझ लीजिए अच्छे से, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये कैसी क्वांटिटी है? ये फिर भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसको समझते हैं कि स्केलर क्यों है भाई, डायरेक्शन होने के बाद भी। ये इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे एक बात और समझ लेना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं,
नहीं करता, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, वेक्टर जो लॉ है उनको फॉलो नहीं करती इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट अस कंसीडर कि आपके पास इस तरह का एक एग्जांपल है जिसमें यहाँ से 5 एम्पीयर करंट है और यहाँ से आपके पास 3 एम्पीयर करंट है, तो यहाँ आपके पास जाएगी 8 एम्पीयर, 5 + 3 8 एम्पीयर, ठीक। सेकंड एग्जांपल हम देखें तो सेकंड एग्जांपल ये है आपके पास इस तरह से, ये 5 एम्पीयर, ये आपका 3 एम्पीयर, तो ये 8 एम्पीयर। इसका मतलब देखो, इस कंडीशन में भी 8 एम्पीयर करंट का फ्लो है और इस कंडीशन में भी 8 एम्पीयर का फ्लो। जबकि अगर अपन देखें तो ये एंगल और ये एंगल कुछ अलग है, और यहाँ बात करें तो इस एंगल की, इस एंगल की, इस एंगल की, उससे चेंज है, एंगल चेंज हो गया बट करंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में अगर रिजल्टेंट की बात करते हैं तो आर इज इक्वल टू, आपके पास एक फॉर्मूला आया था, 2 का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला था p² + q² + 2pq cos थीटा, है जी। इसका मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो थीटा एंगल, एंगल पे भी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। तो एक बात और क्लियर कर लेना कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। उसका रीजन है कि ये वेक्टर जो लॉ है उनको, वेक्टर लॉ है उनको नहीं मानता, वेक्टर लॉ जो है अप्लाई नहीं होते। उसका रीजन मैंने बताया एग्जाम्पल लेके, यहाँ पे 5 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, टोटल करंट गई 8 एम्पियर, जबकि यहाँ देखें तो हम यहाँ एंगल अलग अलग है, इस 5 एम्पियर का 3 एम्पियर की ही बात करें जिसका एंगल ये है, यहाँ बात करें तो एंगल 5 का और 3 का ये हो गया, एंगल चेंज हो गया, फिर भी जो रिजल्टेंट है आपके पास करंट वो 8 एम्पियर है, इसमें भी 8 एम्पियर है। इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एंगल्स पे डिपेंड नहीं कर रही, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही, और जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती वो वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, वो क्वांटिटी आपके पास कैसी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी आपके पास स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी अपन इसको डिस्कस करेंगे, आज आपकी इस चैप्टर की स्टार्टिंग की है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें इसको अच्छे से और समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।